हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्स्टब्लिशमेंट ऑफ एन एंटरप्रन्योरल सिस्टम एंड बिजनेस प्लानिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस प्लानिंग एंटरप्रन्योरशिप यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कि एक बिजनेस को हम किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप लोग जाके चेक कर सकते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स तो हम स्टार्ट करते हैं एस्टब्लिशमेंट ऑफ एन एंटरपन्य सिस्टम हेर आर द सम की पॉइंट्स टीफाई प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमारे पास कितनी अच्छी अच्छी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइंड अ नीड इन द मार्केट और अ प्रॉब्लम दैट नीड सोलूशन हमारी मार्केट के अंदर अभी क्या नीड्स चल रही हैं मतलब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट के अंदर नीड चल रही है वही प्रोडक्ट हम ले आए और क्या मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है वो हम देखेंगे उसके बाद डेवलप अ बिजनेस आइडिया फिर हम एक अपना नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली अपना एक हम आइडिया डेवलप करेंगे कम अप विद अ यूनिक एंड इनोवेशन सोल्यूशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी फिर हम एक यूनिक और इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढेंगे आइडिया को डेवलप करेंगे जो प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज को सॉल्व कर पाए हमारी देन क्रिएट अ बिजनेस प्लान उसके बाद हम एक बिज़स प्लान को क्रिएट करेंगे आउटलाइन योर गोल स्ट्रेटजी टारगेट मार्केट एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन फिर हम एक प्लान बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंगली हमारी टारगेट मार्केट कौन सी होगी गोल क्या होगा किस तरीके की स्ट्रैटेजी हम यूज़ करेंगे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हमारी क्या रहेंगी वो सब चीज़ों का हमारा आउटलाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें क्रिएट करेंगे एक बिज़नेस प्लान को कि हमारा बिज़नेस प्लान क्या होगा किस तरीके का होगा नेक्स्ट है सिक्योर फंडिंग सिक इन्वे, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग टू सपोर्ट योर बिजनेस आइडिया उसके बाद हम हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट देखेंगे कि हमारे पास कितना पैसा है फंड हमारे पास कितना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम प्लान को बना सकते हैं ना देन बिल्ड अ टीम उसके बाद हम एक टीम को बिल्ड करेंगे असेंबल अ टैलेंटेड एंड डाइवर्स टीम टू हेल्प ब्रिंगिंग योर आइडियाज़ टू योर लाइफ फिर हम टैलेंटेड बंदों की एक टीम बनाएंगे जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हमने जो भी चीज़ें आइडियाज़ हैं उनको वो फुलफिल कर पाएँ देन डेवलप अ प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट अ ट्रोपो टाइप और डेवलप्ड योर ऑफरिंग टू मीट कस्टमर नीड्स उसके बाद हम जो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डेवलप करेंगे जिनसे हमारे कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई हो पाए देन टेस्ट एंड इटेट गैदर फीडबैक मेक इम्प्रूवमेंट एंड रिफ़ाइन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज उसके बाद हम क्या करेंगे फीडबैक लेंगे लोगों से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को दोबारा से रिफाइन करके देंगे दोबारा से एक अच्छा नया प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देर फीडबैक कस्टमर्स के जो फीडबैक रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई करेंगे मार्केट योर बिजनेस डेवलप है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू रीच योर टारगेट ऑडियंस एंड विल ब्रैंड अवेयरनेस उसके बाद हम मार्केट को क्रिएट करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे एक ऑडियंस को क्रिएट करेंगे जिससे लोगों को लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चले ब्रांड अवेयरनेंस और आप अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको अचीव कर पाए देन लॉन्च एंड स्केल ऑफिशियली लॉन्च योर बिजनेस एंड वर्क टूवर्ड्स एक्सपेंडिंग योर कस्टमर बेस एंड ऑपरेशन ऑफिशियली फिल्म जो भी हमने चीज़ें तैयार किए हैं अकॉर्डिंग टू फीडबैक अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू टारगेट ऑडियंस उसको फिर हम लॉन्च कर देंगे कस्टमर बेसिक ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली देन मोनिटर एंड अडप्ट कंटिन्यूअसली एवेल यूर बिजनेस परफॉर्मेंस अडप्ट टू मार्केट चेंज एंड इनोवेट टू द स्टे कंपिटेटिव देखो फिर उसके बाद हम चीज़ों को मॉनिटर करते रहेंगे चीज़ें सही चल रही हैं नहीं चल रही है और जो मार्केट के अंदर चेंज आते रहते हैं टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने चीज़ों को नई नई चीज़ों को अडोप्ट करते रहेंगे चीज़ों को चेंज करते रहेंगे नई नई चीज़ें इनोवेट करते रहेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ बिजनेस प्लानिंग बिजनेस प्लानिंग का मतलब क्या होता है बिज़नेस प्लानिंग इज़ अ अकुलर Process that involves creating a roadmap for an organization to achieve its. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी सक्सेसफुल बिजनेस एंड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग रिसोर्स सर्वकेशन मेजरिंग प्रोग्रेस टू वोड्स गोल बिजनेस प्लानिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्रिएट किया जाता है एक रोड मैप मतलब कि एक ऐसा मैप जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ कि हम अपने बिजनेस को लंबे समय तक चला पाएं बिजनेस प्लानिंग का यही मतलब होता है देखो बिजनेस एक जो हम बिज़नेस चला रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं प्लानिंग मतलब कि उसको आगे तक चलाने के लिए आगे उसके लिए अंदर हमें क्या करना है जिससे हमारा बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक चले वो बिज़नेस प्लानिंग होती है जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं बिज़नेस बिजनेस के डिसीजन मेकिंग्स रिसोर्स एलोकेशन मेजरिंग प्रोसेस क्या होगी किस तरीके से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं वो सब चीज़ें हम बिज़नेस प्लानिंग के अंदर करते हैं गोल अचीवमेंट रिसोर्स एलोकेशन में प्रोग्रेस डिसीजन मेकिंग देन नेक्स्ट थिंग है नेचर ऑफ बिजनेस प्लानिंग बिजनेस प्लानिंग का कैसा नेचर होगा द बिजनेस प्लान आउटलाइन द गोल्स ऑफ द फर्म एज वेल एज द टेक्निक दैट विल बी यूज टू अचीव दोज़ गोल्स अ बिज़नेस प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गनाइजेशन फाइनेंशियल ऑपरेशनल एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिजनेस प्लानिंग के अंदर सारी वो चीज़ें होती हैं जो हमारी एक बिजनेस के अंदर कंटेन की जाती हैं सारी जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं फाइनेंशियल जो होती हैं ऑपरेशनल जो होती है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हम यूज़ करते हैं नेचर और बिजनेस प्लानिंग के अंदर कौन से पॉइंट्स आएँगे हमारे mental activity of planning prior to acting there is a mental process that emphasizes contemplations called planning imaginations and original thoughts are critically mental components in this process when appropriate preparations in the place each step is carried out carefully rather than the relying on unplanned decisions or strategic plans शेशन्स ऑलवेज एन ऑर्गनाइजेशन टू डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शंस टू दैट एडवांस इज गोल्स एंड अकम्पलिश इट्स ओवर रीचिंग विजन देखो मेंटल एक्टिविटी है प्लानिंग मेंटली हम करते हैं सारी चीज़ें ये तो नहीं है प्लानिंग कर ली वो चीज़ हम कर देते हैं नहीं प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं तो सारी चीज़ें मेंटली होती हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ये चीज़ कर सकते हैं जैसे देखो अब आपके घर में देखा होगा अगर किसी के घर में बेटी है बच्चा है लड़की है तो पहले ही उसकी फ्यूचर्स की प्लानिंग चलती रहती है उसके फ्यूचर की प्लानिंग चलेगी किस तरीके से होगा क्या होगा उसी तरीके से एक बिज़नेस के अंदर एक गोल जो है वो हम सेट कर लेते हैं ये गोल है हमारा उसके अकॉर्डिंगली फिर हम प्लान्स को डेवलप करते रहते हैं चीज़ें देखते रहते हैं नेक्स्ट है एड planning planning is a dynamic function because changing in the business environment necessary ongoing changing in the desired course of action because planners must um, because planners must continuously adapt to the every changing realities realities to the modern corporate world due to the lack of control over external factors the companies promptly implement necessary change as they arise if new रिक्वायरमेंट कैन नॉट इंटीग्रेटेड इन टू एक्जिस्टिंग प्लान्स इट सिंगल सिग्नल एंड प्लानिंग एडुकेट की जगह हम डायनेमिक प्लानिंग भी लिख सकते हैं या फिर डायनेमिक प्रोसेस भी लिख सकते हैं हमारी जो प्लानिंग होती है वो डायनेमिक होती है डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील मतलब चेंज होती रहती है क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है बिजनेस का कंपटीशन के अंदर लोगों की लोगों के थॉट्स चेंज होते रहते हैं आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज होती रहती है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लोगों को सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं आपका जो गोल है आपकी जो प्लानिंग है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है तो प्लानिंग जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस होती है की मैनेजमेंट कंपोनेंट्स विदाउट ए क्वेश्चन दैट द प्लानिंग स्टेप इज क्रिटिकली इन द फाइल्ड ऑफ field of administrations after completing the planning phase take the following steps organizing organize recruit lead and control you cannot complete any administrative project without first undertaking some key some type of planning. these essentials understanding underpin pin all other managerial responsibilities for the current fiscal year a company has a set of sales of one one टू करोड्स एक सौ बारह करोड़ या वन हंड्रेड ट्वेल्व करोड्स टू अचीव द दीज गोल्स इम्प्लीमेंट द सेकेंड मैनेजर फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन देखो प्लानिंग जो है की कंपोनेंट है मैनेजमेंट का इसके अंदर उस प्लानिंग करने के बाद हम रिक्रूट करते हैं सेलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं लीड करते हैं कंट्रोल करते हैं वो सारी चीज़ें हम प्लानिंग के अंदर करते हैं इसके अंदर मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द करंट फिक्सल ईयर है कंपनी सेट ए सेल्स टारगेट अभी फिक्सल ईयर के अंदर कंपनी ने फिक्स किया एक सेल टारगेट 112 करोड़ का 112 करोड़ का जो उन्होंने अचीव किया है इम्प्लीमेंट करने से प्लानिंग को उनके स्ट्रेटजीज से इफेक्टिव अफिशेंट एंड प्रसिव Preparation planning is only useful when it leads in the attempt attainment of goals with the least among amount of resources investment. As a result, companies' operations should become more efficient, cost effective, and prehensive. These will be added in the optimize the utilization of available stuff and resources. Staff and resources, these should be uh, considered own. वन ऑफ द एडवांटेज इट ऑफर प्लानिंग ओलसेज टू द अनहेंस्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाई रिड्यूसिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस देखो जब हम प्लानिंग करके चलते हैं चीज़ों को प्लान करते हैं तो कोई भी फजूल का खर्चा नहीं होता है फालतू का खर्चा नहीं होता है प्लानिंग के साथ हम सारी चीज़ें चलते हैं जब हमारे प्लान बिगड़ते हैं तब चीज़ें हम इफ़ेक्टिव वे में एफिशिएंट तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं रहती है बट जब हम फॉर एग्जांपल हम अभी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अगर उनको हम प्लानिंग से करेंगे ना हम बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर बट अगर हम प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे तो फिर हम उनको एक इफेक्टिव वे में अफिशेंट तरीके से नहीं दे पाएंगे डिसाइड बिफोर प्लानिंग पोटेंशियल पार्ट्स टू तो अचीव demand carefully planning. in the lights of condition, the planner must choose the best course of actions. the lesson here is that good planning necessity make decisions. mr. anthony's hometown is an example of this. where commerce is the main academic focus, his daughter has to receive his matrix course and he's excited to start the 10 plus 1 progress program. जैसे देखो डिसाइड बिफोर प्लानिंग मतलब प्लानिंग से पहले इन्होंने डिसाइड किया इसके अंदर ये बोला गया है अगर आपको अपनी चीज़ें अचीव करनी है कुछ भी अचीव करना है तो आपको पहले चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा प्लानिंग से पहले जैसे कि जो लेशन हमारा गुड प्लानिंग नेसेसिटी मिस्टर एंथनी ने होम टाउन के अंदर ये एग्जाम्पल है उनका हम होम टाउन के अंदर उन्होंने वो कॉमर्स को मेन फोकस एकेडमिक मानते थे तो उसकी डॉटर को उन्होंने मैट्रिक्स के टाइम पे टेन प्लस टू का टेन प्लस वन का समझाना स्टार्ट कर दिया था टेन प्लस वन पढ़ानी स्टार्ट कर दी थी तो प्लानिंग पहले से स्टार्ट कर दी थी ऐसे एक लड़की है जिस जानवी नाम है शायद उसका उसने भी टेंथ के साथ इलेवेंथ कर ली थी अलेवंथ के साथ ट्वेल्थ कर ली थी ऐसे ही कुछ क्लासेस मतलब उसने शायद ग्यारह साल की एज में ट्वेल्थ पास आउट कर ली थी इतनी उसने एजुकेशन की थी तो प्लानिंग उसने पहले स्टार्ट कर दी थी वही चीज है गोल्स अचीव थ्रो प्लानिंग बिफोर कमिटमेंट मैनेजमेंट वन मस्ट प्रिपेयर्स विच पींग विद द डेवलप ऑफ ऑब्जेक्टिव बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेशन एंड इट्स विल बी वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव आफ्टर सेटिंग गोल्स द प्लानिंग फेज concludes by establishing the strategy for desired outcomes. We are ready to adopt the planning course of actions as needed to successfully achieve objective. As a result, planning make it necessary to achieve goals. Goals achieved through planning. हम अगर अपना goal achieve करना है तो वो planning के through achieve होगा. जैसे मैंने आपको जानवर का example दिया था. वो एक बार जब मैं छोटी थी तो हमारे school में आई थी. तो उसने मुझे बताया उसने बताया था कि जैसे मैं पहले से हम मेरा सारा शेड्यूल प्लान रहता था मुझे पहले क्या करना है मुझे अब क्या करना है मुझे अब क्या करना है और वो सारा चीज़ें उनके फ़ादर ने उनको दीवार पे लगा के दी थी कि ये चीज़ है ये तुझे करनी है इतने टाइम पीरियड के अंदर करनी है देखो मैं एक तरीके से प्लानिंग करती हूँ मैं मेरा टाइम शेड्यूल बताती हूँ आप लोगों को मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि मुझे इस टाइम पर ये चीज़ करनी है नहीं मैं इस चीज़ से डिसाइड करती हूँ क्योंकि मुझे मेरा ही मानना है कि टाइम के अकॉर्डिंगली कई बार चीज़ें हम पॉसिबल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर घर में हर तरीके की सिचुएशंस आती हैं तो टाइम के अकॉर्डिंगली वो चीज़ नहीं होती है मैं डिसाइड करती हूँ डेज़ के अकॉर्डिंगली कि मुझे इस दिन तक ये चीज़ करनी है या ये दिन मुझे ये चीज़ करनी है ये दिन मुझे ये चीज़ करनी है ये दिन मुझे ये चीज़ करनी है तो वो चीज़ मैं डिसाइड करती हूँ ना कि टाइम पीरियड डिसाइड करती हूँ तो नेक्स्ट है हमारा Future looking planning. Planning determines the future course of action, including the specifics of what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, and why whom. The answer to this question will become clear during the planning phase. It is the critical to consider how the social, economic, technological, and legal settings may evolve as people attempt to discover solutions. The term futuristic is

कौन करेगा कब होगा वो सब चीज़ों का आंसर हमारी प्लानिंग देती है कि हमें किस तरीके से करना है फ्यूचर की चीज़ें को देखती है नेक्स्ट लास्ट प्रोडक्ट लिस्ट है हमारा कंटिन्यूस प्लानिंग प्रोसेस कंटिन्यूस प्लानिंग इज एन इटेक्टिव प्रोसेस दैट नेवर कम्स टू एन एंड ए मैनेजर फॉर्मलेट्स न्यू प्लान्स एंड रिवाइज एग्जिस्टिंग वर्न बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन दिस इज़ नेवर एंडिंग साइकिल दैट शोज़ नो साइंस ऑफ स्टॉपिंग कंटिन्यूस प्लानिंग हमारी चलती रहती है नेवर एंडिंग प्रोसेस ये होती है कभी भी एंड नहीं होती है प्लानिंग आप कभी देख लो कभी भी कहीं भी जाते हो प्लानिंग आपके दिमाग में पहले चलने स्टार्ट होती है कि मैं वहाँ जाके ये ये चीज़ें करूँगा तो उसी तरीके से एक बिजनेस के अंदर कहीं पर भी हम लगाते हैं मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस के अंदर हम पहले से चीज़ों को प्लान करके चलते हैं तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है चलती रहती है साथ के साथ फॉर्मलेशन नए नए प्लान्स नई नई चीज़ें आती रहती हैं नेवर एंडिंग साइकिल है हमारी जो शो करती है कि प्लानिंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है अनस्टॉपेबल होती है हमारी प्लानिंग इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरप्रनोरशिप सिस्टम बिजनेस प्लानिंग नेचर ऑफ बिजनेस प्लानिंग वो कम्प्लीट हो गया है अगर फिर भी आपको कोई डाउट है कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है वहां पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इंजॉय यूर लाइफ